मणिपुर हिंसा को लेकर यूथ कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री का इस्तीफा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का आज यहां पर प्रदर्शन चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस के जो यूथ विंग है उसके कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के यहां पर जवानों को लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात है और यहां से महज 20 मीटर की दूरी पर शास्त्री भवन है। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद। मणिपुर में लगभग 2 महीनों से हिंसा जारी है और हिंसा की आग अभी तक धधक रही है। दिल्ली में आज यूथ कांग्रेस के तरफ से यहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लगभग हज़ारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के यहां पर कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हिंसा समाप्त कब होगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है और तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मणिपुर की हिंसा को लेकर यह कांग्रेस का प्रचंड प्रदर्शन है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का दौरा भी हुआ था, अब लगातार विपक्ष की तमाम पार्टियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रही है। हिंसा हो रही है और इसके बीच प्रदर्शन हो रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर मणिपुर में हिंसा की जो आग धधक रही है वो समाप्त कब होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग की तरफ से यहां पर शास्त्री भवन के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया जा रहा था और यहां पर प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने के बावजूद यहां पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है और ये देखिए यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बेबी, उनकी गिरफ्तारी यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरा में मिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और ये श्रीनिवास बेबी की गिरफ्तारी हो रही है। दिल्ली पुलिस के जवान उनको डिटेन कर रहे हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मीडिया का जमावड़ा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की आज तैनाती की गई थी और यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेबी है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और ये उन्हें डिटेन कर लिया गया है यहाँ पर। सरकार इतने पुलिस मणिपुर में डालता था।
मेट्रो से जाते हैं, मां से महाराष्ट्र में सरकार गिराते हैं, मां मणिपुर याद नहीं आता है। साथ जल्दी से जल्दी वहां राज्यपाल शासन होना चाहिए, वह पूरा उसका कैबिनेट बंद करना चाहिए। चलो यार, अरे गेट बंद करेंगे, चलो। किस तरीके से वहां राहुल जी गए, अरे ऊपर खींचो, मुसीबत में, अरे ऊपर खींचो, जो परेशान है उन लोगों को मिलने गए, उसमें भी इतने पुलिस, सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये सरकार, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सरकार है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश का जनता सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, आप अमेरिका में जाके शांति का पाठ पढ़ाते हैं, अपने ही आपके नाक के नीचे सारे चीज हो रहे हैं, उसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। जो कर्नाटक का रिजल्ट 2024 में देश का जनता दिखा लोकल के।